नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। देश में लोकसभा चुनाव कल 19 मई को समाप्त हो गया। अब 23 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। इस बीच में देश के विभिन्न राष्ट्रीय चैनलों द्वारा एग्जिट पोल दिखाए गए हैं। इन एग्जिट पोलों में जहां अधिकांश का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सफलता के साथ चुनाव जीत रही है, जहाँ कुछ चैनल हरियाणा की 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं, तो वहीं अधिकांश का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 8 सीटें जीतने जा रही है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि करनाल से सबसे बड़ी जीत संजय भाटिया जीतने जा रहे हैं। इसी तरह से वो हरियाणा की कौन सी 8 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में नायाब सिंह सैनी एक बड़े मार्जिन के साथ जीतते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं गुड़गांवा सीट पर राव इंद्रजीत सिंह फिर से विजयी होते नजर आ रहे हैं। वहीं विरोध के बावजूद कृष्ण पाल गुर्जर भी विजयी होते नजर आ रहे हैं। उधर भिवानी सीट पर धर्म सिंह, सिरसा सीट पर सुनीता दुग्गल व अंबाला सीट पर रतन लाल कटारिया मोदी लहर के सहारे जीतते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करें हिसार सीट की, तो वहां विजेंद्र सिंह को बड़ी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। यानी इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी रोहतक व सोनीपत सीट को छोड़ करके 8 सीटों पर स्पष्ट जीतती नजर आ रही है। इन सीटों पर मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है, जहां पर कुछ लोगों का मानना है कि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस विजयी रहेगी। यानी सोनीपत और रोहतक सीट पर कांग्रेस के जीतने की संभावना बताई जा रही है। और आज तक चैनल की अगर माने तो देश के और अन्य राष्ट्रीय 3 चैनलों का मानना है कि इन सीटों पर कांग्रेस व भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर रहेगी। इन दोनों में से कोई भी सीट निकाल सकता है। इस प्रकार से जहां भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीत रही है हरियाणा में, वहीं इनेलो व जेजेपी का खाता खुलना भी संभव नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस रोहतक व सोनीपत में कड़ा संघर्ष करती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये था हरियाणा का एग्जिट पोल जो अलग अलग 13 चैनलों से लिया गया है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।